हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटली सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ ये बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब आप बीएड करते रहते हैं तो आप ये भी सोचते हैं कि बीएड के बाद क्या करना है। तो बीएड के बाद एक्चुअली आप लोगों को किन किन एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। इवन मैं तो बोलूंगी आप सेकेंड ईयर से ही ये तैयारी कर सकते हैं, लेकिन बीएड पे भी फोकस करना जरूरी है। तो आप बीएड के जस्ट बाद ये कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, और कौन कौन से कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन की तैयारी करने से आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है, वो सारी चीजें मैं इसमें आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। और इसी की तरह से आप जो है अपना प्रिपरेशन, आगे का गोल, आगे का मोटो, अपना लक्ष्य जो है आप बना सकते हैं और उसी के रास्ते पे चल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज का वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास 4 बजे इवनिंग में, बीएड सेकंड ईयर की क्लास 7 बजे इवनिंग में, अवध यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर का पेड क्लास जो है कंटिन्यू है, चल रहा है, उनका बहुत जल्द जो है टेस्ट कंडक्ट होने वाला है। बिहार यूनिवर्सिटीज के लिए, जितने भी बिहार में यूनिवर्सिटीज है, तो बीएड फर्स्ट ईयर का पेड क्लास 10 दिसंबर से आने वाला है। जो अवध यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का भी अवध यूनिवर्सिटी का सेकेंड ईयर बीएड का जो है पेड क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत ज्यादा ही आप लोगों के लिए यूजफुल इन्फॉर्मेशन है ये। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, आइए देखिए अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बीएड के बाद कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने चाहिए, कौन कौन से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं टेट। टेट क्या होता है? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का आपको प्रिपरेशन करना है। ये दो पेपर में होता है, पेपर वन जो होता है क्लास 1 to 5 के लिए होता है, और पेपर टू जो होता है 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो जो 1 to 5 के हैं उसमें आपको, आप बीएड के बाद भी कर सकते हो वो, या फिर उसमें डीएलएड जो है, डीएड जो होता है इसके बाद भी आप 1 to 5 का जो है एग्जामिनेशन दे सकते हो। डीएड, डीएलएड एंड बीएड, इन तीनों के बाद 1 to 5 का आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है। वो एंट्रेंस टेस्ट होता है और उसके बाद ही आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। ये मत समझिए कि बीएड हो गया तो गवर्नमेंट जॉब मिल गया, नहीं, उसके बीच में एक कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन है, उसमें से यही सब है। दूसरा कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन है पेपर 2, 6 to 8। 6 to 8 में कौन कौन से आपको जो सब्जेक्ट, इसमें जैसे कि आप अगर जैसे साइंस के स्टूडेंट है तो आपको इसमें जो एग्जामिनेशन देना पड़ेगा अपने कंसर्न सब्जेक्ट का भी एग्जामिनेशन रहेगा, आपके साइंस से भी क्वेश्चन रहेगा, और इसमें आप 6 to 8 के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जो आप पेपर 1 अगर देते हो तो आप 1 to 5 के स्टूडेंट्स को पढ़ा पाओगे, अगर आप पेपर 2 क्लियर करते हो तो आप 6 to 8 में जितनी भी वैकेंसीज निकलेगी जो गवर्नमेंट की, उसको आप फिल करोगे, उसके आप एलिजिबल हो जाओगे, उसमें आपको जॉब मिलेगा। तो 6 to 8 का ये हुआ। इसके बाद सीटेट का प्रिपरेशन होता है। अच्छा, ये टेट का मैं बता दूं, ये टेट एग्जामिनेशन जो होता है वो पर्टिकुलर स्टेट की तरफ से लिया जाता है, जैसे कि बिहार में बीटेट, बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाता है, यूपी में उत्तर प्रदेश जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ, इसी तरह से राजस्थान में रीट होता है। तो हर एक स्टेट जो है अपने अपने लेवल का एक टेस्ट लेता है, जिसका नाम अलग अलग अपने स्टेट के अकॉर्डिंग रखता है, और उस स्टेट के अकॉर्डिंग टेस्ट होता है, और उसकी मान्यता, उस टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की मान्यता सिर्फ उस स्टेट तक रहती है। फिर दूसरे स्टेट में जाके अगर आप टीचिंग का वैकेंसी फिल करना चाहते हो तो वहां की मान्यता चाहिए होगी। तो चलिए, लेकिन यहाँ पे सीटेट की हम अगर बात करें तो सीटेट का प्रिपरेशन जो होता है वो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ये सेंट्रल की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से करवाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने इसको पास कर लिया, इसको आपने क्रैक कर लिया, तो ये पूरे इंडिया में जो है वैलिड है। किसी भी स्टेट का वैकेंसी निकलता है तो उसको आप फिल कर सकते हो, उसका जो है एग्जामिनेशन दे सकते हो, उसका उसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हो। तो सीटेट ऑल ओवर इंडिया के लिए है, और टेट जो है और वो पर्टिकुलर स्टेट वाइज होता है। तो सीटेट में भी दो पेपर होते हैं, पेपर 1 क्लास 1 to 5 का, जो कि जनरल सभी सब्जेक्ट का उसमें रहता है, उसमें ईवीएस रहेगा, आपका रीजनिंग रहेगा, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रहता है चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट रहता है वो रहता है। तो इस तरह से उसके एग्जामिनेशन होते हैं। पेपर 2 में ये भी वही है, सब्जेक्ट कंसर्न, आपको आपको आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है, और साथ में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप रहता है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज रहता है। तो ये सीटेट का प्रिपरेशन करना होगा आपको आफ्टर बीएड, या सेकेंड ईयर में बीएड में अगर हो आप तो भी कर सकते हो, क्योंकि सेकेंड ईयर बीएड वाले भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं इसको फिल करने के लिए। फिर आइए बात करते हैं केवीएस एनवीएस। केवीएस एनवीएस का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन केवीएस एनवीएस का प्रिपरेशन करने के लिए आपको सीटेट क्लियर करना पड़ेगा। तो फिर आप इनका फॉर्म भर के
वहाँ पे जो पीआरटी है प्राइमरी टीचर में जा सकते हो, टीजीटी प्राइमरी टीचर मतलब 1 to 5, टीजीटी मतलब 6 to 8 एंड पीजीटी मतलब कि 11 12th। तो इस तरह से जो है वहाँ पे कैटेगरी डिवाइड रहती है, उसका भी प्रिपरेशन कर लेते हो। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है बीएड के बाद टेट और सीटेट का प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि उससे जॉब जो है जल्दी मिलता है और मार्क्स उसमें आप अच्छे से अच्छा ला भी सकते हो। तो आप लोगों को बीएड में रहते हुए सेकेंड ईयर से भी ये अपना थॉट प्रोसेस बना लेना है कि आपको इसका प्रिपरेशन करना है। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है आपके मन में तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, हम लोग उसको डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और पूछना है तो आप इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हो, उसमें भी आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।